एनडीए की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के सभी सांसद मौजूद। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां पूरी, कल होगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। विधान भवन के तिलक हॉल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। मतदान केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकेंगे पेन और मोबाइल। विपक्ष ने मार्गरेट आल्वा को बनाया है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। गोवा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी हैं मार्गरेट आल्वा। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के नेताओं संग शांति से संसद चलाने पर हुई चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। मानसून सत्र में तकरार के पूरे आसार, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार, विपक्ष बोला बिल से पहले महंगाई, अग्निवीर और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर हो चर्चा। तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को बताया मूर्ति, बीजेपी ने आरजेडी को बताया आदिवासी विरोधी, कहा तेजस्वी मांगे माफी। सीएम नवीन पटनायक ने द्रौपदी मुर्मू को बताया है ओडिशा की बेटी, बीजेडी के विधायकों और सांसदों से की है पूर्ण समर्थन की अपील। दिल्ली में अमित शाह से जगदीप धनखड़ ने की है मुलाकात, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद दिल्ली दौरे पर हैं धनखड़। राष्ट्रपति चुनाव पर बोले यशवंत सिन्हा, ये दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है, केवल एक पक्षी संविधान के मूल्यों की रक्षा करना चाहता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर की है फायरिंग, हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेरा। पंजाब के पठानकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने फायरिंग कर पाकिस्तानी ड्रोन को भगाया, सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर 46 राउंड की फायरिंग। पटना में आतंकी मॉड्यूल मामले में यूपी से जुड़े तार, लखनऊ से वकील नूरुद्दीन जंगी को किया गया गिरफ्तार, पीएफआई मामले में चौथी गिरफ्तारी। बिहार के बाद देश विरोधी गतिविधियों के तार अब पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस ने भी इसको लेकर जांच शुरू की। दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, मेट्रो स्टेशन पर दो नमाजी नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी कल शाम को 7 बजे करेंगे बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम एसपी जुड़ेंगे, घर घर तिरंगा यात्रा, सीएम हेल्पलाइन को लेकर बैठक, आईजीआरसी पोर्टल के संदर्भ में भी सीएम करेंगे बैठक। यशवंत सिन्हा के आईएसआई एजेंट वाले बयान पर सियासी घमासान, केशव मौर्य ने फिर अखिलेश पर साधा है निशाना, कहा अब तो चाचा जी के ही सवालों का जवाब दे अखिलेश। लखनऊ के लुलु मॉल में करनी सेना का प्रदर्शन, गाड़ियों पर लगाए गए लुलु मॉल को बॉयकॉट करने के पोस्टर, मॉल में गुस्से से पुलिस ने रोका, पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। गाजियाबाद में हेलमेट लगाकर बस चलाते ड्राइवर का वीडियो वायरल, अखिलेश ने ट्वीट कर परिवहन विभाग पर उठाए हैं सवाल, धोनी बस डिपो का बयान, एक्सीडेंट के बाद डिपो लाई जा रही थी बस। लखनऊ में भूजल रथ को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, 10 जिलों के लिए भूजल रथ यात्रा को किया रवाना। भूजल रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले सीएम योगी, यूपी की आजीविका कृषि पर निर्भर, एक एक बूंद बचाने के लिए जल का संरक्षण जरूरी। पीवी सिंधु के सिंगापुर ओपन खिताब को जीतने के बाद सीएम योगी ने दी है बधाई, ट्वीट कर लिखा आपकी जीत युवा खिलाड़ियों के जोश, जुनून और संकल्प को दृढ़ता प्रदान करेगी, हमें आप पर गर्व है। यूपी में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले, कुंवर अनुपम सिंह एसपी कन्नौज बने तो राजेश कुमार श्रीवास्तव को बीटेक में भेजा गया, अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजी ट्रैफिक बनाए गए।
लखनऊ के लुलू मॉल में करनी सेना का प्रदर्शन, गाड़ियों पर लगाए गए हैं लुलू मॉल को बॉयकॉट करने के पोस्टर। मॉल में घुसने से पुलिस ने रोका, पुलिस से कमिश्नर डीके ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर में रामलीला का होगा गृह प्रवेश। गर्भगृह में भगवान श्री राम के बाल रूप की 5 फीट की भी लगेगी प्रतिमा। ट्रस्ट ने शुरू की तैयारी। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। कानपुर की अनिका बनी है टॉपर। अनिका को मिले हैं 500 में से 499 नंबर। सीलिंग हाउस स्कूल की है छात्रा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन नदी छठ घाट की सफाई में लिया हिस्सा। आम आदमी पार्टी के द्वारा तिरंगा शाखा के तहत स्वच्छ भारत स्वच्छ नदियां कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूपी के कासगंज में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता है देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। सी मीडिया की पड़ताल में हुआ खुलासा। मदरसों में बेसिक शिक्षा का भी अभाव है। मदरसे के नाम पर केवल लाभ कमाने के उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है। जी मीडिया ने दिखाया है मदरसों का सच। कौशाम्बी जिले के सराव अकील कस्बा स्थित दलित बस्ती में गंदगी का अंबार देखने को मिला। कूड़े के ढेर से उठी दुर्गंध और बदबूदार पानी से लोग परेशान। डेरा सच्चा सौदा आश्रम प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम का 1 महीने का पेरोल आज समाप्त हुआ है। किसी भी वक्त हरियाणा पुलिस बागपत के बरनाला में आश्रम पहुंचकर कर सकती है गिरफ्तार। श्रावस्ती में पांडव कालीन विभूति नाथ मंदिर में सोमवार को लाखों श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। उन्नाव में जीजा ने पैसे के लेन देन पर साले पर किया जानलेवा हमला। साला जीजा से बकाया रुपए मांगने गया था दुकान और बांगरमऊ कस्बा इलाके की घटना बताई जा रही है। भदोही जनपद में नेशनल हाईवे 19 पर एक हादसे में 3 गाड़ियां आपस में टकराई। पिकअप गाड़ी के चालक की मौत। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। जौनपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक कबाड़ी समेत 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 9 बाइक समेत कई मोबाइल फोन बरामद हुए। बहराइच में करंट की चपेट में आकर 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हुई। खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पर उतरा हाई वोल्टेज करंट। थाना रिसिया क्षेत्र के नरनैनापुर कमोलिया इलाके का मामला। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर पहली बार आयोजित हुई है नीट की परीक्षा। करीब 800 परीक्षार्थियों ने दिया एग्जाम। पहली बार सेंटर बनने पर बच्चों के अभिभावक काफी खुश दिखे। हरदोई में ऑटो लिफ्टर गैंग के सरगना समेत 5 गिरफ्तार। 11 चोरी की बाइक्स बरामद। अस्पताल बॉस और कोचिंग सेंटर्स के बाहर बाइक चोरी घटनाओं को अंजाम देते थे। बलिया में आम आदमी पार्टी ने किया है तिरंगे का अपमान। बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो के साथ झाड़ू के ऊपर 2 छोटे तिरंगे झंडे लगाए गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कन्नौज कलेक्ट्रेट में डीएम सुभ्रांत शुक्ला ने संभाला है चार्ज और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। शनिवार को गांव में हुआ बवाल। बागपत में कांवड़ यात्रा और परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर लगने वाले मेले को लेकर पुलिस प्रशासन का अलर्ट। जनपद को 7 जोन और 26 सेक्टर्स में बांटा गया। आगरा के शमशाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। प्राचीन दाऊजी मंदिर के शिवलिंग को किया खंडित। मंदिर पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में लिया। मानसिक रोगी बताया जा रहा है युवक। जालौन में दुकान से साड़ियों और कपड़े चुराकर भाग रही 6 महिलाओं को दुकानदारों ने पकड़ा। गिरोह बनाकर चोरी करती थी महिलाएं। कोच कोतवाली क्षेत्र के जवाहर नगर का मामला। संभल पुलिस ने कार में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करके गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से एक इनोवा कार, लूट के 11,000 कैश और 3 मोबाइल फोन भी बरामद। रामपुर में थाना टांडा इलाके के कस्बा डड़ियाल में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिले हैं। मौके पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की है कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर में एक जर्जर
बिजली का खंभा धड़ाम से गिर गया और पूरी घटना एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बरेली पुलिस ने पूर्णापुर रोड पर अंग्रेजी शराब के सेल्समैन के साथ हुई लूट का खुलासा किया। 6 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मिर्जापुर एहरोरा थाना क्षेत्र ने एहरोरा पुलिस ने यहां पर कार में लदा हुआ 60 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया है, वहीं पर जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बदायूं में पकड़ी गई 1 करोड़ रुपए की अफीम। एसओजी और कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार 2 अफीम तस्करों को धर दबोचा। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। थाना रकाबगंज इलाके का मामला। झांसी पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को मारी है गोली, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। डागांव थाना क्षेत्र के टाकोरी गांव का मामला। बाराबंकी में प्रेमी युगल का शव मिलने से हड़कंप मचा। पास मिली कीटनाशक की सीसी और जहर। जरीहाबाद थाना क्षेत्र के दामोदरपुर का मामला। औरैया में छुट्टी पर आए फौजी ने आत्महत्या की है, परिवार ने अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। टिहरी में बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू के बाद बचाई जान। पुलिस चौकी कुमारला के आनंद चौक के पास की घटना है। हरदोई में 2 मेडिकल स्टोर से बरामद हुआ है भारी तादाद में टिंचर और जांच टीम ने टिंचर बेचने वाले दोनों मेडिकल स्टोर किए हैं सीज। टिंचर का बड़े पैमाने पर नशे के लिए होता है इस्तेमाल। आगरा पुलिस ने हत्यारे बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। रुपयों की खातिर अपनी ही बड़े बेटे को मौत की घाट उतार दिया था। थाना सैया के गाँव नगला का मामला है। कौशाम्बी में हाई वोल्टेज तार पर चढ़ा युवक, 5 घंटे बाद युवक को उतारा गया। आनंद फानन में युवक को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। बदायूं में पतित पावनी मां गंगा के कछला घाट पर कांवड़ियों के जत्थे जल लेने के लिए पहुंच रहे थे और अब कल सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट रामगढ़ ताल में सी प्लेन चलाने के लिए अब शासन की मंजूरी अगले महीने मिल सकती है और ये सी प्लेन गुरु गोरक्षनाथ की नगरी रामगढ़ ताल से बाबा विश्वनाथ की नगरी होते हुए प्रयागराज संगम तक चलाया जाएगा। संभल में चंदौसी तहसील के गांव बेरनी में भोले शंकर के प्राचीन शिव मंदिर में सावन के महीने में भक्तों का तांता। 5वीं सदी में राजा बेन ने कराई थी शिव मंदिर की स्थापना। सीतापुर में छात्र के हंसने पर शिक्षक ने मारा थप्पड़, कान का पर्दा फटने से छात्र की हालत बिगड़ी है। सुमित्रा मॉडर्न स्कूल का मामला। अमेठी में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मेले में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार दुग्ध वाहन पीछे से खड़े ट्रक से टकराया। दुग्ध वाहन चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हुई। कासगंज से लखनऊ जा रहा था दुग्ध वाहन। जौनपुर में चंदवक थाना क्षेत्र में मोढ़ेरा के पास में स्कॉर्पियो और बाइक की भिड़त में पति पत्नी की मौत हो गई। कानपुर में रेस्टोरेंट में शराब परोसने की सूचना पर छापा, आबकारी विभाग की टीम ने की है छापेमारी। छापेमारी की सूचना लीक होने पर रेस्टोरेंट में नहीं मिली शराब। रायबरेली में पत्नी से कर्मचारी के प्रेम प्रसंग होने के शक में पति युवक को उतारा है मौत घाट, पुलिस ने किया खुलासा। प्रयागराज के महाधिवक्ता कार्यालय में लगी भीषण आग, मची अफरतफरी। आग बुझाने में लगा रहा दमकल विभाग। रामपुर में बस और ट्रक की टक्कर में बड़ा हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत हो गई, 21 लोग घायल हुए। बुलंदशहर के खुर्जा के आवास विकास के पास में नाले में मिला है अज्ञात व्यक्ति का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकाला, जांच जुटी है पुलिस। बांदा में प्रेमिका से शादी करना चाहता है बेटा, धन परिवर्तन का दबाव बना रहा था लड़की का परिवार, थाने पहुंचे परिजन। बागपत के बड़ौत में आयोजित होने वाला युवा सम्मेलन कार्यक्रम रद्द, जयंत चौधरी ने ट्वीट करके दी है जानकारी।
वैक्सीन में भारत को बड़ी कामयाबी, देश में अब तक 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी है। वैक्सीनेशन में भारत ने रचा है इतिहास, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीनेशन का आंकड़ा 200 करोड़ पार करने की बधाई दी है, कहा दुनिया ने भारत को रास्ता दिखाया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी, लोगों से की है बूस्टर डोज लगवाने की अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी, कहा सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं मिलना गलत, सिंगापुर सरकार से मिला है न्योता। मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, 11 नगर निगमों में से 5 पर बीजेपी की जीत, भोपाल में सीएम शिवराज की मौजूदगी में जश्न। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच का गठन, जस्टिस रमणा के नेतृत्व में बनी है 3 जजों की खंडपीठ। आप विधायक अब्दुल्ला खान की बड़ी है मुश्किलें, उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद होगी सीबीआई जांच, वक्फ बोर्ड की भर्तियों में गड़बड़ी का है आरोप। भड़काऊ नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार गौहर चिश्ती से एनआईए ने की पूछताछ, 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है गौहर चिश्ती। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाने में कैद है खादिम गौहर चिश्ती, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस कर रही है पूछताछ। तमिलनाडु में हिंसा के बाद कल्लाकुरिची और चिन्नासेलम में धारा 144 लागू, बेकाबू भीड़ ने सड़क पर जमकर मचाया है बवाल, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी बनाया निशाना। बिहार के दरभंगा में आतंकी सनाउल्लाह की तलाश में छापेमारी, संदिग्ध जाकिर के घर पर भी रेड, युवाओं का ब्रेन वॉश और पीएफआई का प्रोपेगेंडा फैलाता था सनाउल्लाह। भारत दौरे पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली में हुई है बैठक।